आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की बुलेटिन में खबरें कुछ इस प्रकार हैं। गिरिडीह में केला लेकर दौड़ेंगे रविंद्र पांडे, मैदान में नहीं उतरेंगे। लोकसभा प्रभारियों और संयोजकों की बैठक में सीएम रघुवर दास ने कहा, विकास और देशभक्ति के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाए कार्यकर्ता। धनबाद में सिंह मेंशन के छोटे युवराज ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, कहा रिश्ते अपनी जगह और राजनीति अपनी जगह, पीएन चाचा से मधुर संबंध। हजारीबाग के कांग्रेसी पसोपेश में अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा तीसरी गलती की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। विपक्ष पर कसा तंज, परिणाम के बाद अलीगढ़ का ताला खड़ देंगे विपक्षी नेता। प्रमुख खबर के बाद हम सुनेंगे आज की प्रमुख हेडलाइंस और अंत में एक खास खबर। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। निवर्तमान सांसद रविंद्र पांडे अब आजसू के लिए प्रचार करेंगे, यह जानकारी भाजपा और आजसू के नेताओं ने दी। बता दें कि एनडीए में तालमेल के तहत गिरिडीह सीट आजसू को मिली है और वहां से चंद्र प्रकाश चौधरी उम्मीदवार हैं। रविंद्र पांडे ने पार्टी के इस फैसले के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते हुए चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करने के बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उनके हवाले से आजसू ने रविवार को बताया कि रविंद्र पांडे ने गिरिडीह में एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में प्रचार करने का फैसला किया है। वह अगले एक दो दिन में पूरे संसदीय क्षेत्र में अपने प्रचार अभियान की रूपरेखा तैयार कर लेंगे। रविंद्र पांडे द्वारा आजसू उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने की घोषणा के बाद एनडीए राहत की सांस ले रही है। रविंद्र पांडे ने 3 दिन पहले ही बसपा में शामिल होने की घोषणा की थी, इससे एनडीए को वोट में बिखराव की आशंका हो गई थी। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। प्रदेश भाजपा कार्यालय में लोकसभा प्रभारियों, संयोजकों और प्रत्याशियों की बैठक रविवार को हुई। इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने की। बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास, लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे उपस्थित थे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आह्वान किया कि प्रचार के दौरान राष्ट्रवाद के मुद्दे, विगत 5 वर्षों में किए गए विकास, विदेशों में देश की सकारात्मक छवि और आर्थिक शक्ति बनने की ओर बढ़ते भारत की बातों को जनता के सामने प्रभावी ढंग से रखे। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं की है। देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बने, इसके लिए आगामी 1 महीने तक न सिर्फ जी तोड़ मेहनत करनी है, बल्कि सरकार के जनहित के कार्यों को जनता तक पहुंचाने की जवाबदेही मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं की है। लोकसभा प्रभारी मंगल पांडे ने कहा कि सभी कार्यकर्ता पार्टी की ओर से दिए गए दायित्व को अपनी पूरी निष्ठा के साथ निभाए तो झारखंड की सभी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की जा सकती है। विगत लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता ने 12 सीटों पर जनादेश देकर उत्साह को दोगुना करने का काम किया था। जब हम 14 सीटों पर जीत की बात करते हैं, तब कार्यकर्ताओं के लगन, समर्पण और अनवरत मेहनत से इसे हम साकार कर सकते हैं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। धनबाद के चर्चित सिंह मेंशन के छोटे युवराज सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह ने रविवार को चुनाव मैदान में उतरने के अपने ऐलान को मजबूती देते हुए अपना घोषणा पत्र विजन धनबाद जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रिश्ते अपनी जगह हैं और राजनीति अपनी जगह, भैया भाजपा के विधायक हैं, पार्टी हित में वो अपना नैतिक कर्तव्य निभा रहे हैं और मैं विकास की विचारधारा लेकर धनबाद की आम जनता के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा को लेकर तैयारी में जुटा हूं। मेरे संबंध वर्तमान सांसद चाचा पीएन सिंह से भी मधुर हैं, लेकिन अब संशय की स्थिति के लिए जगह नहीं है। झरिया में जनता मजदूर संघ कार्यालय में मीडिया से उन्होंने कहा कि वह अपनी मां कुंती देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर चुनावी दंगल में हाथ आजमाने कूद चुके हैं। हजारों युवा साथियों, मजदूरों, महिलाओं और आम जनता के विश्वास की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है। अगले 15 दिनों के भीतर ही लोकसभा क्षेत्र की जनता स्थिति स्पष्ट कर देगी। उन्होंने कहा कि आगामी 22 अप्रैल को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वह अपना नामांकन करेंगे। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। हजारीबाग संसदीय सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं होने के कारण हजारीबाग के कांग्रेसी तसोपेश में हैं।
उनके साथ झामुमो और झाविमो के नेता और कार्यकर्ता भी असमंजस में है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी व्यथा किसे सुनाए। हजारीबाग में 6 मई को मतदान होना है। वहां नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पर्चा दाखिल करने का अंतिम तारीख 18 अप्रैल है। इस हिसाब से नामांकन दाखिल करने के लिए अब केवल 3 दिन ही बचे हैं, 15, 16 और 18 अप्रैल। 17 अप्रैल को महावीर जयंती की छुट्टी है, इसलिए उस दिन नामांकन दाखिल नहीं होगा। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि उम्मीदवार की घोषणा में हो रही देरी का असर चुनाव प्रचार और जनसंपर्क पर भी पड़ेगा। लोग भी तरह तरह के सवाल कर रहे हैं जिनका जवाब देना मुश्किल हो रहा है। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दे दी है कि यदि उसने भारत के खिलाफ तीसरी बार गलती की तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। रविवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ और यूपी के अलीगढ़ में चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ विपक्ष को भी निशाने पर रखा। दो प्रधानमंत्री की बात पर उन्होंने कहा कि कश्मीर कोई वसीयत में लिखवा कर नहीं आया। उन्होंने उमर, महबूबा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नेका के जम्मू कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होने के बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा का विजय घोष सीमा पार भी कुछ लोगों की नींद उड़ाएगा। उन्होंने कहा कि देश में फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता देने के लिए कानून बनाने का प्रयास करेगी। सीमा से सटे लोगों को आरक्षण का लाभ दिया गया है। गरीब परिवार को अपना घर, टॉयलेट और बिजली कनेक्शन मुफ्त में मिल रहा है। छोटे किसानों को हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपए मिलने लगे हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस क्या कभी कश्मीरी को न्याय दिलवा सकेगी? क्या 84 के दंगों के प्रभावितों को न्याय दिलवा सकेगी? वह तो न्याय दिलवाने के नाम पर धोखा कर देती है। पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस का देश को धोखा देना राजनीतिक चरित्र है। कांग्रेस आज भले ही कश्मीरी पंडितों का नाम लेने से कतरा रही है, लेकिन यह चौकीदार कश्मीरियों को उनकी जमीन पर बसाने के लिए वचनबद्ध है। यह काम शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को चेताया कि मोदी न बिकता है, न डरता है, न झुकता है। कांग्रेस ने जो पाप किया है, उसने जो गलतियां की है, वह भारत आज तक भुगत रहा है। कांग्रेस से पूरे देश को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। यह जिस तरह से देश को ले जा रहे थे, इसे भारत कभी मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभर नहीं पाता। अब हालात बदल गए हैं, वे दिन लद गए हैं जब धमकियों से भारत की सरकार डर जाती थी। यह नया हिंदुस्तान है, आतंकियों को घुस कर मारेगा भी और सामने आने वाले लोगों को बेनकाब भी करेगा। मोदी ने दावा किया कि पहले चरण के मतदान के बाद विपक्ष डर गया है, उसे पता चल गया है कि वह पिछड़ गया है, इसलिए वह मोदी पर और ज्यादा आक्रामक हो गया है। मोदी ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव के नतीजे विपक्षियों को अलीगढ़ का ताला खरीदने पर मजबूर कर देंगे। विपक्षी दलों पर बरसते हुए मोदी ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में इन्हें पता चल गया है कि इनका टिकना अब मुश्किल है, ये अब पराजय की कगार पर खड़े हैं। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। रांची के रातू, रामगढ़ के सिकनी और हजारीबाग के बड़का गांव में सांप्रदायिक तनाव, लाठी चार्ज के बाद हंगामा, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। धनबाद में डैमेज कंट्रोल के लिए गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार को दिखाया गया काला झंडा। नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने आयातित प्रत्याशी देने का किया विरोध। हरियाणा में बेटे को टिकट मिला तो केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने की इस्तीफे की पेशकश। 5 साल बाद एक बार फिर निकला ईवीएम का जिक्र, विपक्षी नेताओं ने लगाया आरोप, कोई भी बटन दबाने से एक ही पार्टी को वोट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब अंत में हम आपको एक खास खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान में बिक रहा है 180 रुपए लीटर दूध, सब्जियों के दाम आसमान पर। कंगाली के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत पर वो अपनी साख को बचाए रखने के लिए तमाम कदम उठा रहा है, वहीं घरेलू मोर्चे पर भी पाकिस्तान की स्थिति धीरे धीरे मात खा रहा है। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बाद दूध के दाम आसमान छू रहे हैं। कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने बीते बुधवार को दूध के दाम 23 रुपए बढ़ा दिए हैं। ऐसे में फुटकर दुकानों पर दूध कम से कम 120 रुपए लीटर बिक रहा है। पाकिस्तानी अखबार की माने तो जिला प्रशासन ने भले ही दूध के दाम 94 रुपए तय किए हों, लेकिन बड़ी संख्या में दूध विक्रेता 120 रुपए से लेकर 180 रुपए तक में दूध बेच रहे हैं।
एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने कई बार निवेदन के बाद भी दूध के दाम बढ़ाने से इनकार कर दिया। इसके बाद दूध विक्रेताओं को खुद रेट बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा। एसोसिएशन के शाकिर गुज्जर ने स्थानीय मीडिया को बताया कि हम सरकार के लोगों से मिले और अपनी बात उनके सामने रखी, लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। चारे के दाम कई गुना बढ़ गए हैं, पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, इस कारण ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बढ़ गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि ज्यादा कीमत पर दूध बेचने वालों के खिलाफ वह कार्रवाई करेगा। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर दुकानों पर दूध करीब 120 रुपए लीटर बिक रहा है, जो गैर कानूनी है। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों ने कई दुकानों पर छापा मारा है और कई दुकानदारों पर कुल 1,03,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पाकिस्तान के टमाटर और दूध के अलावा अन्य सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। जहां तुरई और टिंडे के दाम 120 रुपए किलो और 80 रुपए किलो हैं, वहीं गोभी 60 रुपए किलो और लौकी 80 रुपए किलो हैं। टमाटर के दाम पिछले महीने से 120 रुपए से लेकर 140 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।